सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। आषाढ़ उतारम मेघ मलारम बनी बहारम जलधारा श्रावण भी गया, भादों का महीना और जल्दी से अष्टमी तिथि, रात्रि 12 बजे अचानक कंस के जेल में एक प्रकाश का पुंज उतरा। इतना प्रकाश है, देवकी मैया की आंखें बंद होने लगी, लेकिन ध्यान से देखा तो चतुर्भुज नारायण परमात्मा का प्रागट्य हुआ। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान, चतुर्भुजम शंख गदारुधारुः, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए श्री भगवान नारायण का प्रागट्य हुआ। बालक बने और वसुदेव जी टोपले में लेकर नंद बाबा के पास लेकर चले हैं। सारे ताले अपने आप खुल गए, हाथ की हथकड़ी पांव के भेड़ियां टूट गईं और सारे द्वार खुल गए। जैसे ही बाहर निकले, कंस के सैनिक सब सो गए, मूर्छित हो गए। उसी समय मंदम मंदम जलधारा, हल्की हल्की बारिश के फुहारें आने लगी। लेकिन तब उसी समय शेषनाग जी विशाल काय फणा से पीछे लग लिए भगवान की सुरक्षा में। जब जमुना जी में प्रवेश किया ना, एक और मुसीबत। भाई देखो, जब हम अमृत की तलाश में चलते हैं ना, तो विष आएगा ही। हाँ, विष से घबराना नहीं चाहिए, थोड़ी परेशानी तो आती।
जमुना जी ऊपर आने लग गई। असल में जमुना कृष्ण की पटरानी है ना, जमुना जी को लगा कि मेरे छोटे से पति देव आज छोटे बनकर जा रहे हैं, मैं भी तो देखो जरा छोटे में कैसे लगते हैं। कन्हैया ने सोचा कि जमुना बावरी हो गई, इसको पता नहीं कि मेरा दर्शन बाद में होगा, ससुर जी पहले डूब जाएंगे। इसलिए कन्हैया ने जब अपने चरण नीचे कर दिए, चरणों का स्पर्श तो कर लिया जमुना जी, लेकिन कहा नहीं नहीं मैं ऐसे कैसे मानूं, मैं तो मुखमंडल का दर्शन करूंगी, भगवान का मुख तो उसको दिखा नहीं, ससुर जी की बड़ी बड़ी दाढ़ी जरूर दिखाई पड़ गई। बिचारी बड़ी शर्मा गई, फिर से नीचे आ गई और मार्ग दे दिया। वसुदेव जी निकल करके सीधे नंद बाबा के महल में जाते हैं और वहां यशोदा जी के बगल में एक लाली सोई हुई है, अपने लाला को वहां छोड़ा, लाली को लिया और मुख्य द्वार से बाहर आए। जब अंदर आ गए जेल में, सारे द्वार बंद हो गए, ताले पुनः लग गए और सारे सैनिक अपने आप जग गए। जब ईश्वर का साथ लिया तब सारे द्वार खुल गए थे, लेकिन जैसे ही माया का साथ लिया ना तो सारे द्वार अपने आप बंद हो गए। ये खुद ही अंतर आप देख लो, माया ठीक है या मायापति ठीक है। जब ये समाचार कंस को पता चला, कांपते हुए हाथ में खड्ग लेकर के कंस चला, डर भी है मेरी मौत आ चुकी, देवकी की आठवीं संतान आ गई। और जैसे ही कंस मारने चला, वह कन्या हाथ से उड़ करके ऊपर गई और कहा, अरे दुष्ट कंस तो मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में कब का आ गया। तो कंस ने कहा, देवी जी अब इतना बता ही रही हो तो एक काम करो, एड्रेस भी बता दो, कहां आया। तो कन्या ने मुस्कुरा करके कहा कि दुष्ट तुझे उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं है, तेरा पाप का घड़ा बढ़ेगा और वो एक दिन तेरे पास खुद आएगा तुझे मारने। कहकर अंतर्ध्यान हो गई। यहां नदरानी जी सगर्भा हैं, लाला होने वाला है। जब ये पता उनकी ननदों को पता चला, नंदा और सुनंदा, नंद जी की दो बहनें नंदा सुनंदा, 6 महीने पहले से डेरा डालकर बैठी। ये ननदे जो होती है ना, ऐसे मौके की तलाश में रहती कि कब भाभी जी को खुशखबरी मिले और हम लोग पहुंच जाएं नेग लेने के लिए। दोनों सुबह से चक्कर लगाती रहती नंदरानी जी के महल के आसपास। आज सुनंदा तड़के उठी है भोर सुबह, नंदरानी जी के महल में गई तो देखा कोई लाला जीनी सी पतली सी चदरिया ओढ़कर सोया हुआ है। 21 बार हरि शरणम का जाप किया कि हे भगवान बस आज मेरा नेक फिक्स करवा दो, आज ये मुझे ही मिल जाए। और जैसे ही चद्दर उठाकर देखा, बोल ये बाल कृष्ण लाल की, और बेलन से थाली बजाती हुई भागी, भैया बधाई हो। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापूजी के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।